नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सामने देख रहे होंगे जिस शख्स को, वो एक ऐसे चिकित्सक हैं जिनका 24 घंटा सातों दिन 365 दिन मरीजों के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय में महामना की बगिया में आने के बाद से, जब से आपने कार्डियोलॉजी विभाग को संभाला है, तब से वो निरंतर हृदय रोगियों के बेहतर इलाज के लिए लगातार लगे हुए हैं। तमाम ऐसे उपकरण, तमाम ऐसी सर्जरी उन्होंने यहाँ शुरू करवाई जो आपके आने के पहले तक यहाँ नहीं थी, लेकिन मरीजों के लिए बेहद जरूरी थी। अभी हाल ही में उसी कड़ी में आपने एक और ज्यादा लाभकारी मशीन मंगवाई है अपने यहाँ। हम आपसे जानना चाहेंगे उस मशीन के बारे में, और जैसा आपको मैंने बताया, आप जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, वो पहचान के लिए उनका नाम बताना बहुत जरूरी नहीं। फिर भी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ओम शंकर से, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल अस्पताल IMS BHU के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी जो रिसेंट आपने मशीन मंगवाई है अपने यहाँ, उसका क्या उपयोग है इस हार्ट के इलाज के को लेकर के? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूँगा, हालांकि आपने भूमिका में पहले ही बताया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बने हुए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए थे या हो गए हैं अभी। जब आज से 15 साल पहले लगभग हम लोग यहाँ पर आए थे, तो लगभग 100 साल पूरा करने वाले इस विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था का वास्तव में नाक या हृदय या जो भी कह लीजिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हृदय विभाग को माना जाता है। और यहाँ का हृदय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हृदय था वो बहुत कमज़ोर था और वो फेलिंग स्टेट में था। जब हम लोग आए तो उसको कोशिश की कि हृदय को मजबूत किया जाए, ताकि इस विश्व प्रसिद्ध संस्था का वो सम्मान और गौरव फिर से स्थापित किया जाए, जिस गौरव के लिए ये पहले से जाना जाता रहा अपने उत्पत्ति के समय से, और उसकी धूमिल होती हुई जो छवि थी उसको मजबूत और बेहतर करने के लिए और पुनः स्थापित करने के लिए ये हम लोग का उद्देश्य था। शुरुआती दिनों में काफ़ी अड़चनों को झेलना पड़ा, आंदोलन, आमरण अनशन, सस्पेंशन और हर तरह का जो व्यक्तिगत नुकसान हो सकता था सबको झेलना पड़ा। और शायद मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में मैं अकेला ऐसा चिकित्सक हूँ जो ना स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार आम जनता के स्वास्थ्य, ना सिर्फ हृदय रोगियों की बल्कि किसी भी बीमारी से ग्रसित उस समाज के, इस समाज के हर रोगियों के जीवन के मौलिक अधिकार के लिए ना सिर्फ आमरण अनशन या सस्पेंशन जैसा कार्य किया है, बल्कि जो ऑपरेशन यहाँ शुरू किया है हृदय के लिए, दुनिया में कोई ऐसा चिकित्सक नहीं होगा जो अपनी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर ऑपरेशन की व्यवस्था शुरू कर दे। क्योंकि ऑपरेशन, वो भी हार्ट का, बहुत ही जटिल और क्रिटिकल मामला होता है। यहाँ पर लोगों की जाने सेकेंडों और मिनटों में चली जाती है। आप कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया था उसको पूरे ताक पर रख दिया, कि अगर इस जो अग्नि परीक्षा में, जो अग्नि परीक्षा आप कह सकते थे, इस अग्नि परीक्षा में अगर मैं फेल होता तो शायद मैं जेल में होता, मेरी डिग्री चली जाती और मेरे बीवी बच्चे हमेशा भीख मांगते सर को फेल करके। तो इतना बड़ा जीवन का मैंने रिस्क लिया, ऐसा इतिहास में कभी आपको मिलेगा नहीं कि कोई चिकित्सक जो कि एक साधारण परिवार से पैदा दिया हो, आगे बढ़ा हो और अपनी मेहनत को इस तरह से आम जनता के अधिकार के लिए कुर्बान कर दो। जी, तो ये बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि थी।
यहाँ से प्रेम इसलिए खास था, एक तो यहाँ में मैं एज ए छात्र के रूप में भी अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो यहाँ की कमजोरियों से मैं अवगत था और यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी जो दुर्दशा थी उससे भी मैं अवगत था। और बचपन से माँ पिताजी के उस निर्देश का भी पालन करना था कि कोई भी गरीब का बच्चा जो है या बूढ़ा हो, बहन हो, भाई हो, इलाज के बगैर नहीं मरना चाहिए। और चूंकि मैं सबसे पहले हृदय का खुद एक चिकित्सक हूँ, तो अपनी जो इस मजबूती की शुरुआत मैंने अपने विभाग से की, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लगभग 100 साल के इतिहास में नई शुरू हुई थी, उसको अधिकारियों के नहीं चाहने के बाद भी हमने शुरू करी। और आप लोगों का आशीर्वाद समझिए, माँ बाप का आशीर्वाद समझिए कि उस हर अग्नि परीक्षा में, उसको स्थापित करने में, हर बाधाओं को हम पार करने में सफल हुए। जब शुरुआती दौर, जिसको कि आम व्यवस्था, जो बेसिक आप नीड कार्डिक इंटरवेंशन का या कार्डियो केयर का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित करना था, जब मैंने उसको स्थापित कर लिया, तो फिर उसके बाद हमने दूसरी लड़ाई स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, एम्स, और पूरे भारत के लोगों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में, जिसमें कि राजस्थान की सरकार ने लागू भी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को अप कर दिया है। और आप देखें कि मोदी जी भी स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मुद्दा दिया, इस देश के राजनीतिज्ञों ने हम लोग के आंदोलन के बाद भाषण स्वास्थ्य पर देना शुरू किया, स्वास्थ्य को एक प्रमुख मुद्दा माना, जिसको हम लोगों ने बनवाया डेढ़ दशक के लगातार आंदोलन से। आज उस समय कोई भी राजनीतिज्ञ इस पर भाषण नहीं किया करते थे, इसको राजनीति का मसला नहीं मानते थे। हम लोगों ने मजबूर किया राजनीतिज्ञों को कि ये स्वस्थ और स्वास्थ्य की बेहतर राजनीति है, इससे समाज जुड़ेगा, ये सच्चा राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवादी काम किया जाए। लोगों को समझ में भी आया, लोग आयुष्मान भारत जैसे वर्तमान की सरकार ने योजना चलाई, तो देश के विभिन्न हिस्सों में कई सारे एम्स बने। हम लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य जो है उसके बजट बढ़ाए जाए, तो दिल्ली सरकार जब केजरीवाल साहब की आई, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी बहस हुई थी, ये सारे हमारे ही एक व्यक्तिगत कन्वर्सेशन में जब उनको बताया कि आप भ्रष्टाचार से ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे को लाए, तो शायद उनको समझ में आई, जिसको लेकर पूरे देश में उन्होंने बिल्कुल शुरू की, जिसको देखकर अन्य नेता भी करे, तो ये एक इन्फेक्शन की तरह फैल गया और इसका हमेशा लाभ आम जनता को मिला, जो कि हमारा बेसिक उद्देश्य था। उस कड़ी में फिर एम्स यहाँ तो नहीं मिल पाया, लेकिन कई जगह मिले और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन का दर्जा इस इंस्टीट्यूट को मिला। लेकिन काशी में अगले चुनाव आने वाले हैं और स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहाँ की काशी वासियों के लिए बीएचयू से बाहर एक एम्स की मांग आज भी प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा है और उनको उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य के इस मुद्दे को भी इस बार के चुनाव में वो अपना राजनीतिक मुद्दा बनाए। दूसरा है कि चूंकि हृदय जो है मौत की एक तिहाई वजहों के लिए जिम्मेदार है, दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही है कोविड की वजह से हुई थी, कोविड की वजह से 3 सालों के अंदर उतना सिर्फ भारतवर्ष में हर साल हृदय के बीमारी से लोगों की जान जा रही है, यानी कि उस महामारी से ज्यादा खतरनाक महामारी ये है जो हृदय की महामारी। लोग पहले इस महामारी को नहीं समझ रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में जब चलती फिरती मौतें होने लगी, तो मुझे नहीं लगता है कि देश का आज कोई भी नागरिक या यहाँ के कोई भी अधिकारीगण या नेतागण इस महत्वपूर्ण मुद्दों से अपने आप को विमुक्त कर सकते। बिल्कुल, तो हृदय चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो एक तो मेरा ये निवेदन है कि आपको महामारी आने के और ज्यादा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और चारों तरफ हाहाकार मच जाए कोविड की तरह, इससे पहले पूरे देश के अंदर कम से कम 50 अगले 5 सालों में डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाए जाने चाहिए, जिसमें 250 बेड हो, कम से कम मिनिमम 250 बेड की व्यवस्था हो और दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्डियक केयर की सुविधाएं वहां पर हो। इस दिशा में सरकार को
पक्ष और विपक्ष सबको विमर्श शुरू करनी चाहिए और अगले चुनाव में चाहे जो भी जीत कर आए अगले 5 सालों में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर इस देश के अंदर बनाए जाने का पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आम जनता के लिए एक वादा किया जाना चाहिए। और उसमें से अभी इसकी शुरुआत में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब चुनाव में भी जाएंगे, तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि वो इस चुनाव में जाने से पहले काशीवासियों के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आखिरी अपने बजट में कम से कम एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर जो 250 बेड का हो उसकी व्यवस्था करवा दें। ये बिस्तर की व्यवस्था जो है तभी बिना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, मरीज को अगर हम जगह नहीं दे पाएंगे तो फिर टेक्नोलॉजी का उनके ऊपर उपयोग कैसे भी नहीं पाएगा। तो इसके बाद का जो चैलेंज था, जो हमने पहले आंदोलन किए उसका बाद का चैलेंज था कि आम एंजियोप्लास्टी तो हो जा रही थी लेकिन विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता थी जो विश्व में कई संस्थानों में मौजूद थे और हमारे पास नहीं थे। फिर उसके लिए प्रयास शुरू किया और उन प्रयासों की सफलता की ये पहली खेप आप समझ सकते हैं जिसमें 2 मशीनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसमें 2 मशीन के अंदर 3 मशीनें हैं कह सकते हैं, एक के अंदर 2 मशीन है और एक अलग से मशीन है जी। क्या नाम है उसका? बता रहा हूँ कि तो उसमें एक मशीन जो है जो जिसके अंदर 2 मशीनें हैं उस मशीन का नाम है आइस और एगोस। ये दोनों ही तकनीक जो है इसका काम है हार्ट का अल्ट्रासाउंड करना, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं जी। तो हार्ट का पहले बाहर से अल्ट्रासाउंड होता था, आम लोग उसको जानते हैं, उसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोब से, जैसे अल्ट्रासाउंड के प्रोब से पेट के बाहर से पेट के अंदर के जो अंग है उनको हम लोग देखते हैं जी, उसी तरह हार्ट को बाहर से हम लोग इकोकार्डियोग्राफी वो भी अल्ट्रासाउंड की विधि से ही किया जाता है। वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड था लेकिन ये बाहर से किया जाता था जिसमें बहुत सारे फाइन डिटेल्स आप नहीं देख सकते थे, मतलब ब्रॉड खाली हार्ट के फंक्शंस को आप देख सकते हैं जी, और उसमें कुछ गड़बड़ियों को, वाल्व की गड़बड़ियों को आप देख सकते हैं। लेकिन उससे अगर और ज्यादा फाइन डिटेल जाना है तो आपको हार्ट के अंदर घुसकर अल्ट्रासाउंड करना होगा। और इसी की वो 2 विधा है जिसके बारे में हमने कहा, आइस मतलब इंट्राकार्डियक इकोकार्डियोग्राफी है। ये क्या करता है कि खून के नलियों के से अंदर आप हार्ट के में घुस जाते हैं और वहां जाकर अंदर से उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो चैम्बर्स के अंदर जो उसके अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको हम कहते हैं आइस इंट्राकार्डियक इकोकार्डियोग्राफी। और दूसरा जो विधा है आइब्रोस, उसका नाम है इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड। इंट्रावास्कुलर का मतलब होता है कि खून की धमनियां जो है जो हृदय को खून देती हैं उसके अंदर अल्ट्रासाउंड के एकदम सूक्ष्म मशीन को ले जाकर आप उनके 3 परतें होती है खून की नलियों की, उन 3 परतों को आप देख सकते हैं। और अभी तक जैसे देखिए कीको अभी जो हम देखते थे उसमें क्या है, जिस तकनीक का यूज करते थे वो एक्सरे मशीन हुआ करती थी। एक्सरे तकनीक से बेस्ड हम लोग ये आप देखें इमेज को जनरेट करते हैं और ये जो तस्वीरें थी ये सिर्फ 2 डायमेंशनल थी। आपको लंबाई चौड़ाई आपको बताएगी कि कितनी लंबी है, मोटी है, पतली है और कहाँ सिकुड़न है, लेकिन ये सिकुड़न की वजह क्या है ये आप इससे पता नहीं कर पाएंगे। उस सिकुड़न की वजह अल्ट्रासाउंड जब अंदर जाएगा तो आपको बताएगा कि ये फाइब्रोसिस हो गया है या यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है या वहां पर कैल्शियम जमा हो गया, या उसके अलावा और एडिशनल बताता है कि आपको कहाँ नॉर्मल है और कहाँ से कहाँ आपको छल्ले लगाने चाहिए, छल्ले की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, छल्ले लगने के बाद क्या वो सही ढंग से लगा है या नहीं लगा है, क्या छल्ले लगाने के दौरान या उससे पहले और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ है, यानी कि अब जो है उसकी सेफ्टी उससे काफी ज्यादा बढ़ गई है, आपकी विश्वसनीयता उस स्तर पर कायम हो गई है जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन संस्थाओं में जाकर इलाज कराने वाले अमीर आदमी के लिए उपलब्ध है। यानी कि गरीब का बच्चा भी, गरीब का व्यक्ति भी और गरीब की माता और बहनें भी अब वो इलाज उपलब्ध का लाभ ले उठा पाएंगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि अमीरों को अभी तक ये उपलब्ध था जी। और उसके अलावा जो एक और तकनीक मैंने बताया जो दूसरी मशीन है उसको कहते हैं रोटाब्लेशन। रोटाब्लेशन एक तकनीक है
उसमें क्या करते हैं, वो सेलेक्टिव कटिंग करता है। सेलेक्टिव कटिंग में क्या होता है, उसके अगले ये आप कह सकते हैं कि दीवार में छेद करने वाली ड्रिलिंग मशीन की तरह है, जिसे हम लोग आम लोग हर आदमी देखता है कि ड्रिलिंग मशीन के ड्रिलिंग के इधर से आप वो एक मशीन होती है जिसमें कि आप ट्रिगर की तरह होता है, आप उसको दबाएंगे तो बंदूक में से गोलियां निकलती है लेकिन ये घूमना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह की ये भी मशीन है, ये हार्ट के अंदर जो कैल्शियम जमा होता है उसको काटने के लिए बनी होती है, वहां ड्रिलिंग करके उसको रास्ता बनाता है, जो पहले आम विधि से उसका रास्ता बनाना संभव नहीं था और ऐसे मरीजों को हमें अब तक बाईपास सर्जरी के लिए भेजना पड़ता था। तो अब उस कैल्शियम को काटने वाली जो मशीन हमारे पास आ गई है, उसके बाद हम लोग इनका जिनका कि पहले यहाँ पर एंजियोप्लास्टी संभव नहीं था और जिसके लिए हम बाईपास सर्जरी करवाते थे, अब वैसे मरीजों की भी हम लोग एंजियोप्लास्टी कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि और जो दूसरी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है वो आपको ये भी बताता है कि अप्रोप्रिएट एंजियोप्लास्टी कहाँ है और कहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं की जानी चाहिए जी, और किस चीज को अगर आप देख लें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते, तो ना सेफ्टी बल्कि सेफ्टी के अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, रास्ते जहां नहीं थे वहां भी रास्ता आप बना सकते हैं, यानी जितने आपके पास तकनीक होगी आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थाओं में से एक होंगे, यही हमारा उद्देश्य है अब, और शायद आप लोग की दुआ हुई तो आगे कायम कर पाएंगे इसको पूरी तरह। सर आपने शुरुआत की थी बातचीत की तो उसी समय आपने जिक्र किया था कि ये टेक्निक जो कुछ भी है अल्ट्रामोड टेक्निक जो आप ले आ रहे हैं लगातार आपके प्रयास से विश्वविद्यालय आपके विभाग तक पहुंच रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जो है इस लैब को दिखाएं, ये दुनिया की बेहतरीन लैब है, बहुत ही कम संस्थानों में ये लैब उपलब्ध है। आप अगर आप देखेंगे तो ये बायप्लेन लैब है, ये एक्सरे मशीन भी बायप्लेन है, जो दुनिया में सिंगल प्लेन होता है वन प्लेन होता है, ये बायप्लेन दो प्लेन में ये काम करता है, ये मशीनें भी दुनिया की बेहतरीन मशीनों में से एक है। तो हर जगह हम लोग तकनीक को, क्योंकि तकनीक के बगैर आपको अगर विश्व स्तरीय बनाना है तो आपको हर मानकों पर खरा होना होगा, कि ऐसा नहीं अमेरिका इंग्लैंड से कोई घूमने अगर आपके पास आया तो वो ये आपको बताए कि भाई आपके यहाँ तो तकनीक का अभाव है। तो अब ये जो मशीनें हैं और मशीन में जो सारी उच्चकृत तकनीकों को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो उसके बाद दुनिया के लोगों को और यहाँ बुलाकर मैं ये साबित करवाऊंगा और उनका उनसे लोहा मनवाऊंगा कि हाँ अब जो हमारा ये विश्वविद्यालय है जिसके लिए जिसकी गरिमा पुराने काल में थी स्थापित, आज दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन संस्था के लोग आकर भी आपके इन विधा को मानेंगे और आपकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको कहेंगे कि हाँ आप वो काम कर रहे हैं जो मैं भी कर रहा हूँ। नहीं सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि काफी दिनों तक हम लोग ये सुनते भी रहे, आपसे कई बार बातचीत भी हुई और अभी आपने कहा भी कि जब तक हमारे पास पर्याप्त बेड नहीं होंगे ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। पहले की तुलना में अब वर्तमान में क्या कुछ जो लॉक था अनलॉक था वो उसमें कुछ सुधार आया है या अभी भी उसकी जंग जारी है? हाँ, अभी भी वो जंग जारी है और जंग जो है बेड को बढ़ाने की है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन घटाना चाह रहे थे, जिसके बारे में पहले बहुत सारे हम लोग लगातार एक डेढ़ साल से ज्यादा समय से प्रयत्नशील हैं और उसी की कड़ी में जो पिछली बार जो हम लोग इस मुद्दे को उठाए था तो एक कमेटी का निर्माण हुआ था और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है और कमेटी ने 3-2 की बहुमत से हमारे फेवर में निर्णय दिया है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कमेटी के निर्णय आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक इस गंभीर मुद्दे पर जमीनी स्तर पर कार्य नहीं की है जी, और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और अगले इसके अलावा एक डेडिकेटेड 250 बेड के कार्डियक सेंटर बनवाने का इसके बाद जो है मुहिम जारी रहेगा। मतलब जब तक मैं हूँ आम जनता को जो मेरे से बन सकता है बिल्कुल हर वो चीज जो मैं दे सकता हूँ जिसमें कि दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा सकूं, यही मेरे जीवन का आखिरी उद्देश्य है। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी कि आप अभी तक
जो भी जंग इस विश्वविद्यालय से आपने लड़ना शुरू किया उसके लिए तमाम सारी बाधाएं भी आपके सामने आई, बावजूद इसके क्रमशः देर से ही थी, थोड़ा समय जरूर लगा, पूरा नहीं तो करीब करीब पूरा बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो सकी हैं। न केवल कार्डियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि हर अन्य रोगों के इलाज के लिए भी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जो स्थिति नहीं थी वो आज यहाँ आ चुकी है। इतने बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट खुले, आई का इंस्टीट्यूट खुला, ऑप्सगैनी का रीजनल इंस्टीट्यूशन खुला, और पूरी उम्मीद है कि अभी और खुलेंगे जी। और सरकार को करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता और आम भावना को सरकार को सुनना पड़ता है निश्चित तौर पर। और पिछले एक दशक के दौरान आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है एम्स को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लेकर के, और एक बार फिर से जब राष्ट्रीय स्तर पर अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले आपने जो एक और प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के लिए और विपक्ष के लिए कि सरकार में जो कोई भी आए वो पहले से अपने एजेंडे में इसको शामिल करे और इंप्लीमेंट करे। ये इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों किसी पार्टी का पार्टी विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये राजनीति, मानव, मानवता, राष्ट्र निर्माण और सच में इस देश को विश्व गुरु बनाने की और विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में बैठते हैं और जो भी विपक्ष में है, ये दोनों सबकी है। जी, जिस तरह से विपक्ष आज बार बार भारत माता का उल्लेख कर रहे हैं, भारत माता को डिफाइन कर रहे हैं, कौन है भारत माता, तो उस डिफिनेशन के तहत जो भी सामने आ रहा है, लबोलबाव यही है कि भारत माता जिसका हम जय जयकार करते हैं वो और कोई नहीं, हमारी आम जनता है, और आम जनता को वो सारी सुविधाएं, कम से कम उनके जो मौलिक अधिकार हैं, बुनियादी सुविधाएं जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा वो मिले, उसके लिए आप निरंतर, यही हमारी पूरी मुहिम रही है जी। जीवन का यही उद्देश्य है कि जिस भारत माता की जय हम कहते आए हैं, उस भारत माता की जय सिर्फ बयानबाजी से या नारों से नहीं होगा, उसको जमीनी लेवल पर लागू करके ही हर व्यक्ति का लाभ होगा, लागू करने वाले का भी लाभ होगा, क्योंकि उनको भी अमेरिका इंग्लैंड जाके अपना इलाज नहीं कराना होगा जी। उनके बच्चे को भी विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, वो आम जनता को भी इसका लाभ होगा, पक्ष को भी लाभ होगा, विपक्ष को भी लाभ होगा। तो ये स्वस्थ राजनीति जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा की, इसको मूल मुद्दा बनाया जाए जी 2024 के चुनाव या आने वाले हर वो चुनाव में, जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो जाए क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन टू एवरीबडी, तब तक हम मानव पूंजी नहीं बन पाएंगे। और अगर अगर हम गलत मानव पूंजी का निर्माण करेंगे तो उसका परिणाम जो है देश को विकास के बदले विनाश के पथ पर ले जाएगा जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत ढेर सारी जानकारी दी, और खास तौर पर जो मशीनें आपने मंगवाई हैं और उनका जो उपयोग है, निश्चित तौर पर आज की तारीख में जब इसका प्रयोग आपने शुरू कर दिया है लग, तो हमको हृदय रोगियों को इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर मतलब अपने देश के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आपका ये प्रयास स्तुत्य है, ये लगातार जारी है, और मैं बाकी लोगों से भी ये अपील करूंगा कि इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं, इस तरह के मिशन को लेकर के आप आगे बढ़ें, तभी इस देश का, भारत माता का कुछ विकास हो सकता है। विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो इन्हीं रास्तों से जाकर के विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।